डिस्कस कर रहे थे टेलीकॉम पैक की, अगर वोडाफोन आइडिया के लिए एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी है यहाँ, तो क्या भारतीय एयरटेल के लिए फायदा है? अभी तो फिलहाल 0.5% ही तेजी दिखाई दे रही है, और इसके अपने रीजंस भी है। भारतीय एयरटेल को ट्रैक भी कर रहे हैं हम, कई समय से बात भी कर रहे हैं इस पर। भारतीय 860 के ऐसा टॉप बना के नीचे आया है, और मैं गौरव से बात पूछूंगा, क्योंकि हम बेस फॉर्मेशन वाले स्टॉक्स के बारे में बात भी कर रहे हैं। टैरिफ हाइक सामने लगा हुआ है, मजबूत स्टॉक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि 600 वाला 850-900 हुआ है। ये देखिए वहां से टॉप बना के, क्या इसका राउंडिंग बॉटम बन गया है? 810 के आसपास लेना चाहिए एक आध सीरीज के हिसाब से। पोजिशनल गौरव, देखिए अगर आप पूरी सीरीज के लिए अगर प्ले करना, तो थोड़ा मैं इंतजार करूंगा। आपने कहा कि जैसे राउंडिंग बॉटम की बात करें, तो अगर आप उसके टू ऑली चार्ट्स वाला देखिए, तो आसार है कि उस तरह से बन रहा है और एक अच्छे सपोर्ट्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 800 का एक्स्ट्रा सपोर्ट उभरते हुए आ रहा है। बट जब आप एक महीने के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो कन्फर्मेशन के लिए एक बार रुकना जरूरी हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे अगर एक बार 820-22 को अगर सस्टेन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो होंगे वो 800 के होंगे या 799 का डाल लीजिए, वो स्टॉप लॉस होंगे। और ऊपर में स्टॉक जो है फिर आपको एक बार 850-55 के लेवल फिर से दिखा सकते हैं। रिकवरी तो आ रही है, रिलायंस इसे लीड कर रहा है, और इनफैक्ट